हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मस्त क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग लेसन चार हिंदी क्लास ट्वेल्थ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हिंदी 100 मार्क्स का आता है क्लास ट्वेल्थ में बिहार बोर्ड का, उसी चैप्टर से लिया गया है। अर्धनारीश्वर चैप्टर का नाम है दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। तीन चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका वीवीआई मोस्ट वीवीआई जितना है इसका अर्धनारीश्वर पाठ से लिया है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये देखिए 2020 के आईएम में और आईएससी में दोनों में आया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अर्धनारीश्वर चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव है उसी से लिया गया है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन है पहला का पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था, ठीक। दूसरा है पद्म भूषण पुरस्कार, या तीसरा है पद्म विभूषण पुरस्कार, या पद्म। आपको इन चारों ऑप्शन का करेक्ट आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला का एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, पद्म भूषण पुरस्कार जो दिया गया था, किसको दिया गया था, दिनकर जी को, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए दोस्तों ये भी देखिए स्टार क्वेश्चन है, कितना बार आ चुका है देखिए, लगातार कितना बार आ चुका है 2019 के आईए में, आईएससी में, और 2019 के कंपार्टमेंटल में भी आया हुआ है और आईएससी में भी आया हुआ है, ठीक है। ये भी स्टार क्वेश्चन है, 2022 में आने का इसका संभावना 100% है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। आपको इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला दिया है ऑप्शन में अर्धनारीश्वर, बी में दिया है उर्ध्वर्षी, और सी में दिया है हुनकार, और डी में दिया है कुरुक्षेत्र। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर बताना है, इन चारों में से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वर्षी, ठीक है। इसका आप लोग याद कर लेंगे, उर्वर्षी ये स्टार क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, काव्य कृति बताना है, तीन पार्ट में जो लिखा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति। पहला ऑप्शन है, देखिए ये भी लगातार जितना है इसमें जो क्वेश्चन है सब परीक्षा में आया हुआ है, ठीक। तो पहला ऑप्शन दिया है नील कुसुम, बी में दिया हुआ है कुरुक्षेत्र, और सी में है द्वंत गीत, और डी में है रिस्मर रथी। आपको ऑप्शन तीन का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। चार नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए 2020 और आईएससी में आया हुआ है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, चार नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो बताना है ऑप्शन पहला है शिव और पार्वती का, और बी में है राम और सीता का, सी में है राधा और कृष्ण का, और डी में है विष्णु और लक्ष्मी का। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चार नंबर का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, शिव और पार्वती का, ठीक है। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, गंधारी थी, पांच नंबर ऑप्शन है गंधारी थी, पहला ऑप्शन दिया है दुर्योधन की माँ, बी में है कृष्ण की माँ, सी में है अर्जुन की माँ, और डी में है बलराम की माँ। पांच नंबर का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, पांच नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दुर्योधन की माँ। छह नंबर देखिए स्टार क्वेश्चन, ये भी स्टार है, प्रेमचंद थे, पहला में दिया ऑप्शन गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे, संगीतकार थे, ये करेक्ट आंसर आपका बताना है। छह नंबर का करेक्ट आंसर होगा प्रेमचंद कथाकार थे, ठीक है। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं, सात नंबर दोस्तों क्वेश्चन है दिनकर का जन्म कब हुआ था, ये देखिए स्टार क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कब हुआ था,
जन्म मृत्यु याद करना बहुत जरूरी है पाठ का, ठीक है। तो 7 नंबर का पहला ऑप्शन दिया है ए में 23 सितंबर 1908 को, बी में दिया है 22 दिसंबर 1912 को, और सी में दिया है 28 सितंबर 1911 को, और डी में दिया है 25 सितंबर 1913 को। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 को। 8 नंबर क्वेश्चन है दिनकर किस युग के कवि थे, आपको बताना है। पहला में दिया है भारतेंदु युग, छायावादी युग, सी में है छावावत्तर युग, और डी में है नव्य काव्योन्दोलन युग, नव्य काव्योन्दोलन युग, ठीक। 8 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लीजिए 8 का, छायावादोत्तर युग, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो आपको बताना है। पहला में ए है गुलाबदास, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सी में है आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, और डी में है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको बताना क्या होगा। 9 का ऑप्शन डी नंबर सही है, रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन करेक्ट। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। पहला ऑप्शन है शुद्ध कविता की खोज, बी में है पुनर्वर्णा, ठीक, सी में है स्मृति की रेखाएं, और डी में कविता के नए प्रतिमान, आपको बताना है करेक्ट आंसर। 10 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है, देखिए कितना बार आया हुआ लगातार, 2018 के आईएसी में और 2020 के आईए में आया हुआ है, लगातार आया हुआ है, ये दोनों देख सकते हैं, आईएसी वाले भी देख सकते हैं और आईए वाले, दोनों का एक ही हिंदी होता है 100 मार्क्स का, ठीक। तो 11 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। पहला है निबंध, बी में है कहानी, सी में है एकाकी, और डी में है व्यंग, आपको बताना है 11 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकाकी की, ठीक। मैं जितना ही बता रहा हूँ सब करेक्ट आंसर है, एक भी गलती नहीं बताऊंगा। 12 नंबर क्वेश्चन है नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। देखिए 2021 के ए और आईएसी में आया हुआ है। पहला इसका ऑप्शन दिया है ओ सदा नीरा, बी में है सिपाही की माँ, और सी में है अर्धनारीश्वर, और डी में है प्रगीत और समाज। 12 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, 12 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अर्धनारीश्वर। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, रचना कहिए या लेखक कहिए, ठीक। तो पहला ऑप्शन है, ये देखिए कितना बार आया हुआ है आईएसी में और आईए में 2021 का आया हुआ है। इसका ऑप्शन है नामवर सिंह, बी में है रामधारी सिंह दिनकर, डी में है सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी में है रामचंद्र शुक्ल, आपको बताना है कौन सा होगा। 13 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर, खाली दिनकर दिया रहेगा तभी सही है, ठीक है, घुमा कर दे देते हैं, ठीक। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अर्धनारीश्वर पाठ का दम VVI ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता दिए, इससे बाहर ये जो 13 ऑप्शन है 13 क्वेश्चन है 13 में से जरूर 2 को 3 को आ जाएगा, हम 100% गारंटी है। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।